concept covered. मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड बिजनेस प्लानिंग. अपन लोगों को यह समझना है कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है. प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइड करना कि फ्यूचर में कब एंड कैसे काम को करना है. प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइड करना व्हाट नीड टू बी डन इन फ्यूचर, से टुडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, एटसेट्रा. प्लानिंग हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होता है. सो यू कैन से प्लानिंग इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड इन नेचर. प्लानिंग हेल्प करता है इन जनरेटिंग द ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन फॉर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव. प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है. अब आपने ये तो समझ लिया कि प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड है. आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्लानिंग इंक्लूड्स इवैल्यूएशन ऑफ जस्ट प्रेजेंट ओनली. प्लानिंग इंक्लूड्स इवैल्यूएशन ऑफ जस्ट प्रेजेंट ओनली. नो, आंसर इज इनकरेक्ट. प्लानिंग इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड टू अचीव द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव. अब आपको एग्जाम में लिखने के लिए कुछ पॉइंट याद करने पड़ेंगे. सो रिमेंबर द सिक्स की पॉइंट्स टू राइट इन एग्जाम. वन, प्लानिंग मींस डिसाइडिंग व्हाट नीड्स टू बी डन इन द फ्यूचर, दैट इज टुडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, एटसेट्रा. नेक्स्ट, प्लानिंग हेल्प इन जनरेटिंग ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन. Next, planning involves determination of the course of action to attain the predetermined objective. Next, planning bridges the gap between where we are to where we want to go. Next, planning is a future oriented in nature. Next, planning can be operational planning and strategic planning. आपने ये की पॉइंट देखा कि एग्जाम में आप लिखेंगे क्या. एग्जाम में ये अगर पॉइंट आपको याद है तो प्लानिंग का कोई भी क्वेश्चन आए आप एग्जाम में लिख सकते हैं. देखिएगा, प्लानिंग को बनाने का एक मकसद है. मकसद ये है कि हम कंट्रोल कर सकें. अगर आपके पास प्लानिंग है तो आप कंट्रोल करेंगे उस चीज को, जिस चीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है तो आप एंड कर जाएंगे उस चीज को कंट्रोल करने में जिसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं थी. दादी कहती थी ना, आपको पता होगा कि सोना बहता जाए कोयले पे छापा. मतलब यह है कि जो गोल्ड है वो तो निकल रहा है लेकिन कोयले के ऊपर प्रहरी बन के बैठे हुए हैं. चूंकि हमारे पास प्लानिंग नहीं है, हमें यह नहीं पता कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है तो आप उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जिसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं थी और उसको आप फ्री छोड़ देंगे जहां पे कंट्रोल करने की जरूरत थी. अब आप इस एडवर्टाइजमेंट को देखिए. Hurry up, yeah. Sorry, are we late? It's okay. Let's leave. तू अंदर क्या कर रहा था? सर, अंदर डस्टिंग कर रहा था. कपड़े बदलने से पहले बल्ब बदलो. आपने ये एडवर्टाइजमेंट देखा. आपने इस एड में देखा कि अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है तो आप जिसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं एंड जिसको कंट्रोल करना चाहिए उसको आप खुला छोड़ रहे हैं. पति को तो आपने बाहर निकाल दिया, सर्वेंट को रूम में लेकर बैठे हुए हैं.
अब देखिए, अब उसने क्या देखा होगा, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा जी, आपने एडवर्टाइजमेंट देख लिया। ये प्लानिंग का सही नहीं होने का कारण है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर राइट प्लानिंग होगा तो कंट्रोल भी राइट होगा, अगर प्लानिंग राइट नहीं है तो कंट्रोल राइट नहीं होगा। तो ये आपने समझा कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है, और जो नॉर्मल प्लानिंग है वही बिजनेस प्लानिंग है। तो अभी आपने ये समझ लिया कि प्लानिंग होता क्या है। अब एग्जाम में लिखने के लिए आपको डिक्टेशन लेना पड़ेगा ताकि आप एग्जैक्टली इन बातों को लिख